एक घंटा इधर लग जाता था, 2.5 घंटा आगे का रास्ता था। तो ये बहुत मुश्किल से मैंने ये रास्ते अबूर किए हैं। यहाँ नाकाम इसलिए होते हैं, यहाँ उनका आना जाना मुश्किल होता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का भी मसला है और भी बहुत से मसाइल हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। किस्मत में यही नहीं होता, ये हमारे हाथ में है। देखें, हमारे जो लीडर हैं उनका काम है, हम उन्हें इलेक्शन में हम उन्हें वोट देते हैं, उनका हक है। देखें, मुझे भी अपना बचपन याद आता है, बहुत मुश्किल रास्ता है यहाँ। लेकिन ये बच्चों का बहुत मुश्किल रास्ता है, दरिया पार करना कोई आसान बात नहीं है, खास करके सर्दियों में। तूफान में भी मैं इस दरिया से पार होती रही, बेशक बारिश हो, बेशक कुछ भी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दरिया ने मेरा पूरा साथ दिया है। मेरे हौसलों का दरिया ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि मेरे साथ के सब लड़कियों ने छोड़ दिया था, क्योंकि उनके हौसले पास थे। अल्लाह ने मेरा साथ दिया है तो मैं आज एफए कर बैठी हूँ। देखें, हमारे गांव में कोई लड़की भी नहीं है जिसने एफए किया, मैट्रिक किया हो, मिडिल किया हो। देखें, आज मैं इस जगह पर हूँ, इन बच्चों को भी होना चाहिए, हमारे मुस्तकबिल का क्या बनेगा, इसलिए मुझे शौक है मैं यहाँ पढ़ाऊँ और ये बच्चे भी पढ़ लिखकर कुछ न कुछ बन सकें। रेगुलर में आऊँ, इन सब बच्चों को पढ़ाऊँ और ये रेगुलर पढ़ें, ये हुकूमत का काम है, वो मुझे यहाँ जॉब दे और मैं इन बच्चों को सही तौर पर पढ़ा सकूँ। आसमां के हौसलों का दरिया, दरिया के हौसलों से बुलंद है। इल्म के हसूल के लिए आसमां ने जो सफ़र 13 बरस कबल शुरू किया वो अब भी जारी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दरिया की लहरें चीर कर आसमां ने जो ख़जाना हासिल किया वो इसे आइंदा नस्लों को लौटाना चाहती है। कैमरामैन काशिफ बाजवा के साथ फयाज राजा, समा संगरीला, कलर सईदा, रावलपिंडी।